कि मैं यही सवाल लेके मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सतीश प्रकाश के पास जाऊंगी। डॉक्टर सतीश प्रकाश, विकास तो कहीं पीछे छूट जाता है, और एक सेकंड तहसीन में जरा एक राजनीतिक विश्लेषक को भी यहाँ शामिल कर लूं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, एक मिनट, आप लोगों का टर्न आ गया है, दो लोगों से अभी तक बात नहीं हुई, तहसीन उन लोगों से बात कर लूं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, यहां पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा, जैसा हमेशा होता है, चुनाव आ रहे हैं, विकास गया तेल लेने, राम याद आएंगे, किसी को कृष्ण याद आएंगे, किसी को टेररिस्ट याद आएंगे, और हर कोई अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी हिंदू बन जाएगा, कभी पक्का हिंदू बन जाएगा, और भगवान भी बदल लेगा। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। देखिए, कोरोना काल के बाद में उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के चुनाव थे। उस नगर पंचायत के चुनाव में आप अगर देखेंगे तो अगर बीजेपी का अयोध्या मॉडल हारे, तमाम नगर पंचायत के चुनाव से आप आंकड़े निकालिए ना, पीसीआर को बोलिए कि हालांकि वहां सपा जीती, अयोध्या में सपा जीती, और आप तमाम जो है आपका काशी मॉडल हारा, और मथुरा के आप आंकड़े निकाल लीजिए, वहां बहुजन समाज पार्टी ने क्लीन स्वीप कर रखा है। मेरा सवाल यह है, अगर मुझे दुख भी होता है कि अगर समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हैं और अखिलेश जी के मन में या उनके सपने में, इनके सपने में राम आते हैं, उनके सपने में कृष्ण आते हैं, अरे भाई एक बात तो बताओ, आपके सपने में कभी कोरोना पेशेंट याद नहीं आया? जिसने कोरोना से अपनी जान गंवाई है उसने कभी आपको आकर के ये नहीं कहा कि भैया एक काम करना, उत्तर प्रदेश की राजनीति को चेंज कर देना, और मेरे को हॉस्पिटल नहीं मिला, मुझे दवाइयां नहीं मिली, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली, और मेरी दुर्गति कहीं ना कहीं जब मैं मर गया तो मेरे को जो जो भी है, चाहे हिंदू है मुसलमान है, कहीं ना कहीं स्थिति हालात खराब है। देखिए, हमको ये मानना चाहिए कि बीजेपी कहीं ना कहीं आस्था मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटका रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक पोलराइजेशन या आरोप लगा रहे हैं राजीव तुली जी हमारे एक, ठीक है ठीक है ठीक है।